ठीक है, अब हम कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे पहला एमसीक्यू है कि ए 34-year-old मैन हैज़ अ टिश्यू डिफेक्ट मायरिंग 3 cm by 1 cm का डिफेक्ट है। ठीक है, 3 cm by 1 cm का डिफेक्ट है, कहाँ है? उसके स्केप्यूला में। ठीक है, स्केप्यूला में क्यों है? उधर एक लाइपोमा था, लाइपोमा, लाइपोमा को हमने एक्साइज किया, एक्सीजन की। जब लाइपोमा फैटी टिश्यू का एक कंपोनेंट है, उसको ऐसे ऐसे काट के हमने निकाला तो नीचे डिफेक्ट बन गया। कहता है कि इस डिफेक्ट को आप कैसे क्लोज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली प्राइमरी क्लोजर, इसका आंसर है। याद रखें, डायरेक्टली प्राइमरी क्लोजर, वहीं पे हम टांके लगा के बंद कर देंगे, इसमें कोई टिश्यू या फ्लेप हम नहीं लगाएंगे। क्या लिखता है? द वूंड शुड बी अमेनेबल टू प्राइमरी क्लोजर, देन देयर इज मिनिमल एसोसिएटेड टिश्यू लॉस एंड सर्जरी इज माइनर एंड अनकंटेमिनेटेड। ठीक है, देखें, जहाँ पे हम जैसे जब भी लाइपोमा निकालते हैं ना, तो वहाँ पे कोई टिश्यू लॉस नहीं होता, सिर्फ स्किन को इंसाइज करते हैं और फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू है, एट 72-year-old लेडी हैज 4 cm बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एक्साइज फ्रॉम हर राइट चीक। उस जो औरत है उसकी राइट चीक से हमने एक कैंसर था वहाँ, उसको हमने ऐसे निकाल लिया, एक्साइज किया, तो वहाँ डिफेक्ट बन गया। देयर इज़ अ रोम्बॉइड डिफेक्ट। ठीक है, रोम्बॉइड डिफेक्ट बना है चीक्स पे, और का कितने का? 4 by 4 cm का। देखें, अब 4 cm का बेसल सेल कार्सिनोमा था, डिफेक्ट कितना बना है? 4 by 4 cm का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें, फेस पे मैंने क्या कहा था? फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका आंसर ये है, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हम फेस पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो है ना, उसकी बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स होते हैं। फेशियल वूंड्स दैट आर लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड आर बेस्ट मैनेज विद फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ठीक है, तो ये दूसरा एमसीक्यू हो गया। और तीसरा एमसीक्यू, ए 5-year-old सफर्स 20% बर्न ऑफ द टोर्सो। ठीक है, उसके ना बॉडी पे, ट्रंक पे फुल थिकनेस बर्न है 20% का। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज फिक्स पिगमेंटेशन एंड द अफेक्टेड एरिया हैज़ अ वाइट एंड ड्राई अपियरेंस। ये एमसीक्यू है, तो अब वो कहता है इसको कैसे मैनेज करोगे? द अफेक्टेड एरिया इज़ अ वाइट एंड ड्राई अपियरेंस। अब पेट में है ना, उसके पेट में जला हुआ है, 5 साल का बच्चा है, तो उसको हम स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाएंगे। दिस इज़ अ फुल थिकनेस बर्न। देखें, बर्न जो है वो फुल थिकनेस है, देखा, बर्न फुल थिकनेस है। क्यों? क्योंकि जो पिगमेंटेशन हुई है उसकी, ठीक है, वाइट ड्राई अपियरेंस है, तो फुल थिकनेस बर्न को शो करता है। इट रिक्वायर्स स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग उसके। ठीक है, जब स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट करेंगे तो ग्राफ्ट को हम मेश भी करेंगे। मैंने आपको स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट में बताया था, ग्राफ्ट को हम मेश भी करेंगे। और क्या कहता है? ठीक है, कहता है कि मेशिंग जो है वो क्या करेगी, जो इन डोनर साइट यील्ड को इंक्रीज करेगी। हाउएवर दिस इज़ एट एक्सपेंस ऑफ कॉस्मेटिक, यानी कि इसके बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स नहीं होते स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के। ये आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा, अब देखें नीचे, टिश्यू रिकॉन्स्ट्रक्ट, स्किन वर्सेज स्किन ग्राफ्ट वर्सेज ग्राफ्ट वर्सेज फ्लैप्स क्या है? देखें, जो ये हमने सारा पहले पढ़ा हुआ है, इसको रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, स्किन फ्लेप्स एंड ग्राफ्ट्स में बी रिक्वायर्ड वेयर प्राइमरी वूंड क्लोजर कैन नॉट बी अचीव्ड, यानी कि टांकों से जिस जगह को हम बंद ना कर पाएँ, उस जगह पे हम या तो स्किन ग्राफ्ट्स लगाते हैं या तो फ्लेप्स लगाते हैं, कहता है। ठीक है, और वुड ईदर और वुड इंटेल ईदर सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक, या फिर वो जो ज़ख्म है उसमें कॉस्मेटिक और डिफेक्ट बन जाए, कॉस्मेटिक डिफेक्ट बन जाए, या फिर कंसिडरेबल फंक्शनल डिस्टर्बेंस बन जाए। देखें, वूंड है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको, एक बात तो उसको प्राइमरी क्लोजर ना कर पाए, दूसरी बात उसको हम उसकी कॉस्मेटिक जो है ना डिसफंक्शन हो, और या फिर फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, फंक्शनल, फंक्शनल को मैं FN लिखता हूँ। ये तीन चीज़ें हों किसी भी वूंड की वजह से, तो हम वहाँ पे ग्राफ्टिंग या फ्लैप्स लगाते हैं, कहता है। ठीक है ना, ये क्यों होती हैं ये चीज़ें? वूंड कंट्रैक्शन की वजह से होती हैं, फंक्शनल डिफेक्ट वगैरह। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन लेडर क्या है, कहता है।
ठीक है। देखें कहीं भी अगर चोट लगती है या ज़ख़म बनता है, वूंड बनता है, तो रिकंस्ट्रक्शन लेडर क्या है, सबसे पहले हम डायरेक्ट क्लोजर करते हैं, प्राइमरी क्लोजर जिसको बोलते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑप्शन वेयर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइपोमा था, उसको आपने डायरेक्ट टांके लगा के बंद कर दिए। मैं आपको कंस्ट्रक्टिव लेबर लेडर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्लोजर पॉसिबल ना हो तो हम ग्राफ्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स में हमारे पास स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ठीक है, स्किन सब्स्टिट्यूट या कंपोजिट ग्राफ्ट, ये हैं। फिर हम आते हैं किसकी तरफ, फ्लैप टेक्निक की तरफ। फ्लैप टेक्निक में लोकल फ्लैप्स, रीजनल फ्लैप्स, डिस्टेंट फ्लैप्स, ये सारे हमारे पास हैं। लोकल फ्लैप में ट्रांसपोजिशन फ्लैप, पाइवेट, अल्फाबेटोप्लास्टी यानी कि जी वाई प्लास्टी, जी फ्लैप्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। रीजनल फ्लैप्स में मायोक्यूटेनियस, फेशियोक्यूटेनियस, न्यूरोक्यूटेनियस फ्लैप्स भी हैं, ठीक है। फिर इसी तरह डिस्टेंट फ्लैप्स में फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र, जो कि हमने डिस्टेंट फ्लैप्स में पढ़ा। अच्छा, फिर अगर हम फ्लैप्स भी ना कर पाएँ तो फिर प्रीलिमिनेशन टेक्निक्स यानी कि इट अलोज क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लैप्स इजी बुकल म्यूकोजा, ठीक है। तो प्रीलिमिनेशन टेक्निक है, ये नाम याद रखें सारे। डायरेक्ट क्लोजर, ग्राफ्टिंग टेक्निक, फिर फ्लैप टेक्निक, फिर प्रीलिमिनेशन टेक्निक, फिर टिश्यू एक्सपेंशन, ये टोटल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 टेक्निक्स हैं रिकंस्ट्रक्टिव लेडर के, ठीक है। टिश्यू एक्सपेंशन, इट इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ टिश्यू एक्सपेंडर्स, हम डालते हैं टिश्यू एक्सपेंशन में टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टिश्यू एट डोनर साइट, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि रिकंस्ट्रक्टिव लेडर में शामिल हैं। अब यहाँ पे भी ये बताता है कि स्किन ग्राफ्ट और स्किन फ्लैप में क्या फ़र्क है। देखिए, नो साइज लिमिट ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। अगर नो साइज लिमिट, फिर स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट में होती है। रिलेटिव साइज लिमिट फुल थिकनेस ग्राफ्ट में होती है। और साइड लिमिट, लिमिटेड जो साइड लिमिट हो वो फ्लैप्स में होती है, ठीक है। इसी तरह ग्राफ्ट जो है रिलाई करता है ऑन वून बेड फॉर ब्लड सप्लाई, फ्लैप जो है वो अपनी ओन ब्लड सप्लाई लेके आता है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर फ्लैप्स की, ग्राफ्ट्स के बारे में ये बताता है कि ग्राफ्ट्स आर टेकन बेटर ऑन वेल वेस्कुलराइज वून बेड्स, यानी वून बेड का इस पर रोल होता है। अगर वून बेड साफ है, वेल वेस्कुलराइज है, तो ग्राफ्ट अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा उगेगा वहाँ पे। जबकि फ्लैप्स में देखें, फ्लैप विल सर्वाइव इंडिपेंडेंट ऑफ द वून बेड, याद रखें फ्लैप विल सर्वाइव इंडिपेंडेंट ऑफ द वून बेड, क्योंकि इसकी अपनी आर्टरी सप्लाई आती है ना, ठीक है। फिर जो ग्राफ्ट हैं, ग्राफ्ट्स में देखें, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट डोनर साइट जो है, डोनर साइट वो हील करती है 12 दिन तक, मैंने कहा था ना 14 से 15 दिन तक, ठीक है, तो इन्होंने 12 दिन लिखा हुआ है। जबकि डायरेक्ट क्लोजर ऑफ द डोनर साइट करनी पड़ती है, जहाँ से आप फ्लैप लेते हैं उसकी डायरेक्ट क्लोजर करनी पड़ती है, या फिर उसमें SSTSG स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। डोनर साइट में भी रीयूज्ड इन ग्राफ्ट्स, जबकि जहाँ से फ्लैप लेते हैं वो साइट आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल कहता है कि इट इज़ अवेलेबल इन ए रेंज ऑफ थिकनेस, मैंने कहा था ना थिक, मीडियम, थिन। अच्छा, थाई इज़ द कॉमनेस्ट डोनर साइट कहता है फॉर स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। साइज़ में भी इंक्रीज बाय मेशिंग, मेश कर सकते हैं आप, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। हाउएवर, जब मेश करेंगे ना तो कॉस्मेटिक जो डिस्टर्बेंसेस उसमें आ सकते हैं। डोनर साइज स्पेशली थिन ग्राफ्ट्स में जो है वो रीयूज हो सकती है कहते हैं बाद में। फुल थिकनेस ग्राफ्ट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फेशियल कंस्ट्रक्शन, इंक्लूड्स डर्मल अपेंडेजेस, प्रोवाइड्स सुपीरियर कॉस्मेटिक रिजल्ट, ठीक है। फुल थिकनेस ग्राफ्ट के रिजल्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर कंपोजिट ग्राफ्ट के बारे में कहता है, दिस ग्राफ्ट कंटेनिंग मोर देन वन टिश्यू टाइप, ठीक है, सच ए स्किन एंड फेट, दे आर यूजअली यूज टू कवर स्मॉल डिफेक्ट्स इन कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। तो स्मॉल डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए कंपोजिट ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। फिर फ्लैप्स के बारे में कहता है कि फ्लैप्स हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एंड में भी पेडिसल्ड। और फिर देखें, फ्लैप्स जो होते हैं ना वो पेडिसल्ड यानी कि उसको अटैच रख के भी करना होता है, जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल दी, या फिर फ्री फ्लैप्स भी हो सकते हैं कहता है। फ्री फ्लैप्स के बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है, पेडिसल्ड के बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है। मे हैव मल्टीपल कंपोनेंट, स्किन, स्किन प्लस फैट, स्किन प्लस फैट प्लस मसल हो सकता है। दे हैव द एबिलिटी टू टेक रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग द टिश्यू बेड, ठीक है, टिश्यू बेड। द टाइप ऑफ इंट्रेंसिक ब्लड सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रेस्ट सर्जरी पेडिसल्ड लेट्रिसमस डोरसाई फ्लैप्स विल बी लेस प्रोन टू फेलियर देन माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोस्ड फ्री डाइप फ्लैप्स, ठीक है। तो ये